मुझे आपसे एक बात शेयर करनी थी कि कई लोग मुझे कॉल करते हैं कि मुझे टैरो रीडिंग सीखना है, और टैरो रीडिंग के साथ साथ वो मुझे ये भी बताते हैं कि हमने कार्ड्स कहीं से खरीदे हैं और हमने यूट्यूब पे कहीं कहीं से हमने हमने टैरो सीखा है, और जब हम टैरो करते हैं तो हमारे बच्चे बीच में आके हमारे टैरो कार्ड्स को हाथ लगाते हैं और उनको भी खेलना रहता है हमारे टैरो कार्ड से। बट जैसे हमने बताया है सबको कि आपके टैरो कार्ड्स आपके स्पेशल होते हैं, आप अगर इफ यू आर द ओनर ऑफ द टैरो कार्ड्स, तो सिर्फ आप ही उनको हाथ लगा सकते हो। आपके बच्चे, ये खेलने का टूल नहीं है, जैसे कि आपने रख दिया रीडिंग करके और बच्चे खेल रहे हैं उसके साथ। तो कई सारे लोग मुझे कॉल करते थे कि मैम हम क्या करें, अब हम टैरो डेक अलग से तो हम हमारे बच्चे के लिए ले नहीं सकते, और आप कहते हो कि उनको हाथ भी कोई और नहीं लगा सकता है। तो मैं एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आई, मैंने किसी से प्रिंट करवाए, और ये आइडिया मेरी नहीं है, ऑफकोर्स मैंने किसी से ली है ये आइडिया। तो ये जो टैरो कार्ड्स हैं, ये 5 5 इंचेस और ये है 3 इंचेस के, तो ये मैंने बनवाए हैं। दीज आर यू नो लाइक यू कैन गेट देम प्रिंटेड ऑल्सो, बट आप ये ले भी सकते हो मुझसे। तो ये हम सेल करते हैं। तो जनरली अगर आपको चाहिए कि आपके बच्चे बहुत इंटरेस्टेड हैं, अगर उनको कार्ड्स के साथ खेलना है, तो आप ऐसे वाले कार्ड्स उनके लिए ले सकते हो। और अगर आपको इससे भी छोटे चाहिए तो ये भी अवेलेबल है, ये साइज भी। तो वॉट यू कैन डू इज, आप है ना, एक ऐसे पोटली में आप कार्ड्स ऐसे डाल दो और उसको शेक करो ऐसे एवरी मॉर्निंग। अगर आपको आपके बच्चों को इंटरेस्ट दिलाना है टैरो में, शेक करके टेल देम टू पिक वन कार्ड इन द मॉर्निंग। तो जैसे कि ये कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो अगर ये कार्ड जब बाहर आता है, दैट मीन्स दिस इज द कार्ड ऑफ द डे फॉर योर चाइल्ड। तो आप आपके बच्चे को ये कार्ड की मीनिंग बता सकते हो, और उसकी जो एनर्जी है डे की, ये कार्ड के थ्रू आप उसको एक इंटरेस्ट जगा सकते हो कि टैरो एक्चुअली क्या होता है। तो ये कार्ड्स हम बच्चों के लिए एज अ हाउजी भी खेल सकते हैं, कार्ड ऑफ द डे भी खेल सकते हैं, और अगर आप टैरो रीडिंग सीख रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, आप एक जर्नल बना सकते हो, और जर्नलिंग में आप एक एक पेज पे एक एक फोटो, जैसे कि आप माइंड मेजर आर्काना वन बाय वन आप एक एक फोटो लगा के, सपोज आप फर्स्ट कार्ड जो होता है फूल कार्ड, तो फूल कार्ड को चिपका के आप फूल कार्ड के बारे में आपकी क्या राय है आप लिख सकते हो, आपने जो सीखा है वो भी लिख सकते हो, और आपके एक्सपीरियंसेस जब आप रीडिंग करते हो तो फूल कार्ड की मीनिंग क्या है आप जर्नलिंग कर सकते हो। क्योंकि आप जर्नलिंग में बड़े बड़े फोटोज, या तो जैसे कि आप बड़े टैरो कार्ड्स चिपकाओगे तो वो बहुत अगली दिखता है, तो आप छोटे कार्ड्स एक कॉर्नर में ये लगा के और उसकी डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो। तो ये कार्ड से आप जर्नलिंग करेंगे तो आपको लाइफ टाइम एक एक्सपीरियंस रहेगा कि मेरे ये एक जर्नलिंग जो मैंने जर्नल बनाया हुआ है वो आपका बहुत डियर और आप बहुत यादगार रहेगा। इवन आप 10 साल 20 साल के बाद जब आप अपना जर्नल देखोगे या अपने बच्चों के साथ शेयर करोगे तो आपको खुशी मिलेगी। सो दिस इज हाउ आई यूज दीज स्मॉल टैरो कार्ड्स फॉर जर्नलिंग एंड फॉर चिल्ड्रन हु वॉन्ट टू प्ले और हु वॉन्ट टू डू हाउजी। तो ये कार्ड्स अगर आप चार्ज नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, आपके बच्चे खेल सकते हैं। आप जब ही खेल के हो जाए इनको ये पोटली में बांध के आप रख के रख सकते हो। तो अगर आपको ये मेरी आइडिया अच्छी लगी, अगर आपके बच्चों को भी इंटरेस्ट जागता है टैरो सीखने में, उसमें कोई बुराई नहीं है, तो अबाउट द एज ऑफ 8 और 9 चिल्ड्रन कैन लर्न टैरो, एंड छोटे बच्चे जो बिलो 9 है उनको खेलना है तो खेल भी सकते हैं, जर्नलिंग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपके पास इसके अलावा और अच्छी आइडियाज है कि आप कहाँ ये यूज कर सकते हो, प्लीज शेयर विद अस, वी बी मोर देन हैप्पी टू रिसीव योर कमेंट्स। शेयर दिस वीडियो विद मोर एंड मोर फ्रेंड्स, एंड ऑलवेज हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, बी हैप्पी।